जैसे भगवान कन्हैया ने चावलों की पोटली को छीना, सुदामा का सर लज्जा से नीचे घुस गया कि मेरा कन्हैया द्वारकाधीश है, इन चावलों का भोग कैसे लगा। उसी समय भगवान कन्हैया ने उन चावलों की पोटली को घेरा और जैसे पहली मुट्ठी भरी और बड़े प्रेम से चबाने लगे हैं। जैसे ही सुदामा ने भगवान कन्हैया तीसरी मुट्ठी चावल की भरी से रुक्मणी ने हाथ पकड़ ली और इशारे बोली, भगवान नुकसान करेगा कच्चा इसलिए थोड़ा कर। इसके बाद में भक्तों भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर कर दी और दो तीन दिन बाद सुदामा ने कहा, भैया और कन्हैया लाला अब तो मैं जा रहा हूँ। कन्हैया ने कहा, भैया जा जा जल्दी जा। और जाते जाते भाभी से मेरी राम राम कहते हैं, क्योंकि भगवान कन्हैया ने इसलिए नहीं रोका कि उधर सुशीला ने प्रण किया था कि जब तक हमारे पति घर वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कहीं कहीं। इधर सुदामा जी अपने नगरी को चले हैं तो सुदामा
मन में सोच रहे हैं कि वारे द्वार का धीर सा, अरे तेरी 16108 पट रानियां थी, रानी थी, अगर एक एक रुपया देती तो भी मेरी गरीबी दूर हो जाती, लेकिन कुछ नहीं दिया। आज भक्त सुदामा जी लौट करके अपनी नगरी में आए तो क्या देखा, इधर भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि जाकर के झोपड़ियों की जगह कंचन के महल बना, तो वह कंचन के महल बना दिया, इसलिए उसका नाम कंचनपुरी रखा। और इसी बीच में ये हमारे फूफा जी के सुपुत्र सुदामा जी को जब झुपड़िया नहीं देखी तो सोचने लगे शायद कोई राजा आएगा होगा, इसलिए उसने महल बनवा दिया। तो सुदामा जी उन महलों को देख करके मन में सोचने लगे